दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि डिस्क ब्रेक की सर्विस आप घर पर कैसे कर सकते हैं। डिस्क ब्रेक की सर्विस की ज़रूरत तब पड़ती है जब पहिया थोड़ा टाइट घूमने लगता है। इससे होता है कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा टाइट घूम रहा है। इससे होता क्या है, एवरेज वगैरह की परेशानी आती है, गाड़ी थोड़ी भारी भी चलती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ये घर पर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले ये 12 नंबर का सॉकेट चाहिए होगा। ये आप देख सकते हैं 12 नंबर की चाबी है, उससे आप इसे खोल सकते हैं, या फिर आप इसे 12 नंबर की टांगी से भी खोल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 12 नंबर की टांगी है। सो पहले इसे खोल के देखते हैं, खुल जाता है तो ठीक है। ये बहुत टाइट है, ये इससे नहीं खुल रहा, तो अब हमें थोड़ा ज़्यादा टॉर्क लगाने के लिए इस औजार का यूज़ करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए खुल चुका है इससे। अब आप इसे 12 नंबर की टांगी से खोल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इन पे इस बोल्ट का भी कार्बन जम चुका है, तो डालने से पहले हम इसकी सफाई ज़रूर कर लेंगे। तो ये खुल चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा जोर डाल के निकल जाएगा, इतनी ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। ये देखिए निकल चुका है, और आप देख सकते हैं ये इसके डिस्क पैड हैं, और ये इसका क्लिपर है जो आगे पीछे होता है। और तो हम पहले ये खोलेंगे, इसे खोलने के लिए 8 नंबर का पाना चाहिए होगा। ये देखिए 8 नंबर का पाना है ये। अच्छा, तो अगर आपसे हो सके तो ये प्लास से भी खोला जा सकता है। ये काफ़ी टाइट है, पॉज करिए यार। ये देखिए ये खुल चुका है, अब इसको हम खोल लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी जंग आ चुका है, ये काफ़ी पुराना हो चुका, बहुत टाइम से खुला नहीं है। और ये इसके डिस्क पैड हैं, ये हम निकाल लेंगे, ये आराम से निकल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये देखिए डिस्क पैड हैं, और ये दूसरा वाला भी आराम से निकल जाएगा। ये देखिए ये अभी घिसे नहीं है, यहाँ थोड़ा गैप है, ये काफ़ी करीब 3 mm है, तो अभी इन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है, इनकी थोड़ी सफाई करके हम इन्हें दोबारा लगा देंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये सिलेंडर हैं। इसे होता क्या है, जब ब्रेक दबाते हैं तो ये बाहर निकलते हैं, ये देखिए ये बाहर निकलते हैं ऐसे, इस तरह से ब्रेक मारने पर। तो हम इन्हें पहले दबाएंगे, एक टामी साहब इन्हें थोड़ा ज़ोर लगा के, ये देखिए अंदर चला गया है ये। इसी तरह दूसरे वाले को, ये देखिए अंदर चले गए हैं अब। और ये क्लिप होता है जिस पे वो ब्रेक पैड अड़े रहते हैं, हम इसको भी निकाल लेंगे पेचकस की मदद से। ये रहा पेचकस, ये निकाल लेंगे इसको, इसको निकालना ज़्यादा बानी बड़ी, पर पेचकस डाल के ऐसे ऊपर को कर दीजिए, ये निकल जाएगा आसानी से। ये देखिए निकल गई है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ गंदगी बहुत है, अब हमें इसकी सफाई करनी होगी। इसकी सफाई के बाद हमें इसको भी निकालना पड़ेगा, इसको निकालना ज़्यादा भारी नहीं है, बस ऐसे खींच दीजिए और ये निकल जाएगा। ये देखिए ये आगे पीछे ऐसे होते हैं इसमें अंदर की तरफ,
तो हमें इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी एक बार। तो इसकी सफाई करने के बाद हम वापस आते हैं। आप देख सकते हैं सफाई हो गई है और काफ़ी गंदगी इसमें निकली है, और ये सिलेंडर की सफाई भी हो चुकी है, लेकिन इस सिलेंडर को हम दोबारा अंदर डालने से पहले इसको थोड़ा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से, जिससे कि ये अच्छा लुब्रिकेशन रहे, इसमें फ्रिक्शन कम हो। ये देखिए ये लग चुका है इस पर, वो थोड़ा उधर ही जाएगा, जा चुका है, उसकी सफाई कर देंगे। ये देखिए पहले सिलेंडर पे ऑयल कर दिया, अब हमें इस सिलेंडर को निकाल के इसे भी ऑयल करना होगा। इसके लिए क्या करें, पहले इस सिलेंडर को दबा लीजिए इस तरह से, और अपने किसी सहयोगी से कहिए कि वो ब्रेक लीवर दबाए। दबाना ज़रा, बाहर आ गया है, और अब इसे हम ऑयल कर देंगे उंगली पर लगाकर, पिछली बार की तरह नहीं, नहीं तो सब में रायता फैल जाएगा। ये देखिए इस तरह ऑयल कर, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, यहाँ ऑयल चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहीं लगाएंगे। ये देखिए ऑयल चला गया, अब इसको अंदर पुश कर देंगे किसी भी टामी से इस तरह से। देखिए अंदर जा रहा है, और हाँ ये अंदर जा चुका है। अब क्या करेंगे, अब ये कैलिपर लेंगे और इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे यहाँ। ज़्यादा ग्रीस नहीं लगाना है, कम ही लगाना है, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो वो निकल ही जाएगा। अभी आप देखेंगे कैसे। ये देखिए ग्रीस लगा दिया है, और अब इसको हम इस तरह लगा देंगे। ये एक इसकी सील भी रह गई है, पहले सील को लगाएंगे इस तरह से, ये आसानी से लग जाएगी, ऐसे दबा के घुमा दीजिए। ये देखिए ये लग गई है, इसको हम साफ़ करना भूल गए, इसको भी आप साफ़ कर सकते हैं, और फिर इस तरह इसको हल्के से दबाएंगे अंदर की तरफ, ये ऐसे। ये देखिए ये अब दब रहा है, बहुत बिल्कुल सही दब रहा है, ये इस तरह दबना भी चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये आगे पीछे बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। ये देखिए अब इसका एक क्लिप लगा लेंगे, इसकी भी हमने सफाई करी थी, क्लिप लगाना बहुत आसान है। ये जो दो आप निशान देख रहे हैं, इस साइड नहीं है, एक ही साइड है, और इसे ये यहाँ पर फंसते हैं, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही हैं ये यहाँ फंस से जाएंगे इस तरह से। ऐसे रखे और ऐसे दबा दीजिए, और ये आसानी से लग जाएगा। अभी नहीं लगा, ये थोड़ा और रह गया है। ये देखिए अब ये बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है, बिल्कुल बढ़िया। अब हम इसमें अपने ब्रेक शू लगाएंगे। ब्रेक शू दो तरीके के होते हैं, ये देखिए इनके साइज़, इनके जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल अलग हैं। ये देखिए यहाँ ऐसा डिज़ाइन है, यहाँ ऐसा, तो ये जो कोना निकला हुआ है ये पहले लगेगा, और ये इस तरह लगेगा कुछ यहाँ ऐसे करके। ये देखिए ये क्लिप, इस ये जो क्लिप है ये इसको ऊपर की तरफ रखता है इस तरह से, यहाँ ऐसे इसको फांसने के लिए। इसी तरह दूसरा वाला लगाएंगे इस तरह से, और अब इसकी जो रॉड है ये, इस पर भी थोड़ा सा ग्रीस लगा लेते हैं, बहुत थोड़ा सा करना है, इस पर ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत ही हल्का सा। ये इस तरह से लग गया, आपको ध्यान रखना है इस पर ग्रीस बिल्कुल नहीं लगाना है, ये जो ब्रेक शू है ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर ब्रेक, अगर आपने इस पर ग्रीस लगा दिया तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगेंगे, और
फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। ये इसको हल्का सा ऐसे दबा के ये ऐसे इसको आप अंदर कर सकते हैं इस तरह से। अब इसको 8 नंबर के पानी से कस देंगे, इतने हम इसे कस दे। ये आप देख सकते हैं ये हमने कस दिया है बिल्कुल सही तरीके से, ब्रेक शू बिल्कुल सही लग रहे हैं। अब इसको ये देखिए बीच में गैप है, इसी गैप में हमें ये डिस्क अटकानी है और इस तरह से ये हम अटका देंगे इसको। हाँ ये देखिए ये आराम से चली गई है और आप देख सकते हैं इसके जो 2 बोल्ट हैं ये कार्बन खा चुके हैं। इसकी हम सफाई ज़रूर कर देंगे और लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरह से, जिससे ये स्टक नहीं होगा अगली बार। ये 12 नंबर की चाबी से इसे हम टाइट कर रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अगर आप चाहोगे तो बड़ी चाबी से ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए 12 नंबर की चाबी है, बस इसको ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये बहुत टॉर्क है, ये काफ़ी है। अब आप एक परेशानी आपको आ सकती है, जब आप ब्रेक दबाएंगे तो ये पूरा दब जाएगा। ये देखिए इस तरह बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे दबाते रहिए। कुछ देर दबाने के बाद इसमें प्रेशर आ जाएगा। ये देखिए ये प्रेशर अब आ गया बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही प्रेशर आ गया। एक बार पहिया घुमा के देख लेंगे, ये देखिए पहिया बिल्कुल सही घूम रहा है, कोई परेशानी वाली आवाज़ नहीं है, इसके एकदम सही काम कर रहा है। तो इस तरह आप अपने किसी भी बाइक की डिस्क ब्रेक की ज़रूरत घर पर ही कर सकते हैं, किसी मिस्त्री पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान काम है, सिर्फ 2 ही चाबियाँ लगती हैं, 12 और 8 नंबर की, इसमें होंडा जाएंगे केस में। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।